जादुई मछली। एक मछुआरा था, वो बहुत गरीब था। वो नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहता था और प्रतिदिन मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचता था। एक दिन उस मछुआरे ने नदी में जाल डाला तो उसमें एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। जब वो जाल में फंसी हुई मछली को पानी से बाहर निकालने लगा तो उस मछली ने कहा, मैं मछली नहीं हूँ, मैं एक जल परी हूँ। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूँगी। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगी। मछुआरे को उस मछली पर दया आ गई और उसने उस मछली को वापस नदी में डाल दिया। मछुआरा ने घर वापस जाकर अपनी पत्नी को उस मछली के बारे में बताया। मछुआरा के पत्नी ने कहा, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? तुम अभी वापस जाओ और उस मछली से मकान मांगो। मछुआरा नदी पर गया। उसने नदी के किनारे पर खड़े होकर कहा, हे मछली, जल की रानी, सुन ली मेरी कहानी। लूट गई है पत्नी मेरी, कर पूरी उसकी मनमानी। मछुआरी के आवाज सुनकर वो मछली पानी से बाहर निकली और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मछुआरा ने कहा, हे जलपरी, मेरी पत्नी एक सुंदर घर चाहती है। मछली ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वो पानी में वापस चले गए। जब मछुआरा भी झोपड़ी के तरफ वापस लौटा तो उसने झोपड़ी की जगह एक सुंदर मकान देखा। मछुआरा का पत्नी थोड़े दिन तो बहुत खुश रही लेकिन फिर उदास रहने लगी। एक दिन उसने उदास होकर अपने पति से कहा, तुम उस मछली से कहो कि ये मकान बहुत छोटा है। मेरी पत्नी बड़ी मकान में रहना चाहती है। मछुआरा ने अपनी पत्नी का इच्छा पूरा करने के लिए फिर नदी पर गया और किनारे पर खड़े होकर फिर उसी तरह मछली को बुलाया, हे मछली, जल की रानी, सुन ली मेरी कहानी। लूट गई है पत्नी मेरी, कर पूरी उसकी मनमानी। मछुआरी के ये प्रार्थना सुनकर मछली ने पानी से सिर बाहर निकाला और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मछुआरी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी पत्नी कहती है कि हमारा घर बहुत छोटा है, हमारा घर बड़ा होना चाहिए। मछली ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। मछुआरे ने वापस लौटकर अपने छोटे मकान की जगह एक विशाल भवन देखा। उसके सामने हरी और मुलायम घास का बाग था जिसमें रंग बिरंग फूल खिले हुए थे और तरह तरह की फलदार पेड़ हवा में झूम रहे थे। मछुआरे की पत्नी जल्दी ही उस भवन से भी उब गई। अब वो चाहती थी कि मैं रानी बन जाऊं, बहुत सारे नौकर जाकर हूँ, मैं जिधर भी जाऊं लोग मुझे रानी समझकर प्रणाम करें और सम्मान दे। एक दिन उसने अपने पति से अपने मन की बात कही और मछली के पास जाने के लिए कहा। मछुआरा अपनी पत्नी की इच्छा सुनकर चौंक गया। वो जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे एक पत्नी के हट के कारण जाना पड़ा। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरा ने पहले की तरह ही मछली को पुकारा। मछुआरी के पुकार सुनकर मछली जल से बाहर आई और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मछुआरा ने अपनी पत्नी का इच्छा मछली को बताई। मछली ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। घर वापस लौटकर मछुआरी ने एक विशाल महल देखा जिसके द्वार पर सिपाही पहरा दे रही है, चारों तरफ नौकर जाकर घूम रही है और महल के सामने
बहुत सुंदर रथ खड़े हैं। अब वो मछुआरे के पत्नी रात दिन यही सोचते रहते कि मछली से अब क्या मांगू। एक दिन प्रातः उसने खिड़की खोलकर बाहर जाता, सूरज निकल रहा था, उसकी सुनहरी केटी चारों ओर फैल रही थी। नदी का पानी उसके सुनहरी प्रकाश में चकमगा रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, चारों तरफ सुगंधित हवा गह रही थी। ये सब देखकर अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि सूरज को मेरी आदमी मानना चाहिए, मुझे उसकी रानी बनना चाहिए। उसने अपनी पत्नी को झंझोर कर जगाया और कहा, अभी मछली के पास जाओ, उससे कहो कि मेरी पत्नी सूरज की रानी बनना चाहिए। पत्नी की ये इच्छा सुनकर मछुआरा सहम गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोई बात सुनने की तैयार ही नहीं थी। स्वयं को रानी समझकर उसने कहा, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। बेचारा मछुआरा डरता डरता नदी के किनारे पर पहुँचा और कहने लगा, हे मछली, जल की रानी, सुन ली मेरी कहानी, लूट गई है पत्नी मेरी, कर पूरी उसकी मनमानी। मछली ने सिर पानी से बाहर निकाला और बोला, अब तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछुआरी कहा, मेरी पत्नी सूरज की रानी बनना चाहती है और चाहती है कि सूरज भी उसकी आज्ञा के पालन करे। ये सुनकर मछली को बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होती वो बोली, तुम्हारी पत्नी को इच्छाएं बढ़ती जा रही है, वो ये भी सोचना भूल गई है कि क्या मानना चाहिए और क्या नहीं। मैंने जो कुछ भी दिया तुम उसके योग्य भी नहीं हो, तुम जैसे पहले थी वैसे ही फिर हो जाओ। ये कहकर मछली पानी में वापस चली गई। मछुआरा शर्म से सिर झुकाई घर की ओर वापस लौटा। उसने देखा उसका महल, नौकर जाकर, बाग बगीचे सब लौट हो चुकी थे और उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़े पहने हुए झोपड़ी में झाड़ू लगा रही है। Thank you.